राशि, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। गोपी दिख रहा, आरती शुरू करें। सबसे पहले गरबे में दिया प्रज्वलित कर दो। गोपी वो अहम कहाँ है? नवरात्रि का पहला दिन है और हमारे घर की ये सुबह की आरती है, तो उसे शामिल होना चाहिए। कहाँ है वो? माझी, वो मेरा परीक्षा फल लेने गए। चलो अच्छा है, नवरात्रि का पहला दिन और पहले दिन घर में कल। तुमने कुछ कहा राशि? नहीं नहीं, मैं बस यही कह रही हूँ कि चलिए आरती शुरू करते हैं। ऐसे कैसे आरती शुरू करें? अब हमें अहम की राह देखनी होगी। कोई बात नहीं कोकिला, हम आरती शुरू करते हैं, अहम आएगा तो अपने आप शामिल हो जाएगा। गोपी आरती शुरू कर। गोपी शू थयो बेटा? काकी जी वो अहम दिख रहा, क्या हुआ बेटा? गोपी का रिजल्ट आ गया है। अहम दिखा, बताओ क्या है परीक्षा फल? अहम जीजू, आप रिजल्ट बताइए ना। गोपी नहीं हुई है क्या? तुम रो क्यों रही हो? अहम जीजू, प्लीज बता दीजिए ना, गोपी पास हुई है या फेल? अहम, परीक्षा फल क्या निकला ये तो बताओ। गोपी पास हो गई है। लेकिन सिर्फ 60% से। कोई बात नहीं गोपी, देखा तुम पास हो गई। नवरात्रि के आज शुभ अवसर पर अहम, तुमने सचमुच बहुत अच्छी खबर सुनाई। खूब खूब बधामणी बेटा। भाभी आपको बहुत 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 मुबारक। धन्यवाद। जीवती राधिका, सदा खुश रहो, उन्नति करो। गोपी बेटा,
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम परीक्षा में सफल रही, हम सबको तुम पर गर्व है। गोपी बहू, मैं बहुत खुश हूं। मैंने क्या कहा था? कृष्ण भगवान जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। और देखो, तुम पास हो गई, परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। अहम, सच आज मैं बहुत खुश हूं। नवरात्रि के प्रथम दिन और ये सूचना, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। माँ जी, वो आज अगर मैं पास हुई तो वो सिर्फ अहम जी के वजह से। जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, कम से कम 90% मार्क्स आने चाहिए थे। 60% आए हैं तुम्हारी बेवकूफी से, क्योंकि तुमने आधा पर्चा खाली छोड़ा है। और इसलिए मैं इस रिजल्ट से खुश नहीं हूं। कोई बात नहीं अहम, अगली बार जब ये परीक्षा देगी तो 100% मार्क्स लाएगी, है ना गोपी? लाओगी ना? मुझे मेरी गोपी वहू पर पूरा विश्वास है। मेरी गोपी वहू बहुत सारे काम अच्छी तरह से कर सकती है। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है, ये सब कुछ मेरे लिखने के कारण ही तो हुआ है। और मम्मी जी, सच मैं गोपी के लिए ना बहुत बहुत लकी हूँ। क्यों गोपी? बस राशि, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोई जरूरत नहीं है। इस कहावत का अर्थ जानती हो? इसका अर्थ है कि अपने मुंह से अपनी ही तारीफ करना। मेहरबानी करके अपनी तारीफ करना बंद कर दो। ये तो मेरी गोपी वहू और अहम की मेहनत का फल है कि गोपी वहू परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। इसके उत्तीर्ण होने का श्रेय इन दोनों की मेहनत को जाता है। और वैसे भी तुमने किया ही क्या? जैसा जैसा गोपी वहू कहती गई, वैसे वैसे तुमने सिर्फ लिखा है। नहीं, ये बात तुमने खुद ही घर से निकलते हुए कही थी जब तुम गोपी बहू के साथ उसकी परीक्षा का पर्चा लिखने निकली थी। तो फिर तुम इसके लिए भाग्यशाली कैसे बन गई? अगर गोपी बहू परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है तो इसका श्रेय गोपी बहू और अहम दोनों की मेहनत को देना है। अहम दिकरा, तुम क्यों नाराज हो? गोपी वहू ने मेहनत की, उसकी पढ़ाई में तुमने भी उसकी सहायता की, उसे पढ़ाया, उसे सिखाया, अपना समय दिया, और आज ये उत्तीर्ण भी हो गई तो तुम्हें इस बात का संतोष होना चाहिए। अने तमे गोपी वहू, अब आगे की पढ़ाई जैसा कि अहम कह रहा था तुम घर बैठकर ही करोगी। वो क्या कहते हैं उसे? कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ाई करोगी तो फिर तुम घर पर ज्यादा समय बिताओगी। तो अब तुम पहले की तरह घर के कामों में अपना पूरा ध्यान लगाओ। अब कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। वैसे इस काम में तुम राशि के लिए भाग्यशाली बन सकती हो। क्या है कि उसे बहुत कुछ सीखना है, घर के काम बराबर से कर नहीं पाती है। तुम्हारी मदद से वो
ये काम अच्छी तरह से सीख सकती है और इस तरह से तुम राशि के लिए भाग्यशाली बन जाओगी। केम राशि, मोटा भाभी, मैंने तय किया है कि अब घर के कामों को राशि और गोपी वह दोनों के बीच आधा आधा बांट देना चाहिए। बराबर ने मोटा भाभी, ये भी ठीक है।